नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद। चलिए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है पारसी धर्म, जिसमें आप लोग देखेंगे हम लोग चर्चा करेंगे पारसी धर्म के संस्थापक के बारे में। तो संस्थापक कौन है? पारसी धर्म के संस्थापक है जरथुष्ट। और जो संस्थापक है, इनका जन्म कब हुआ था जरथुष्ट का? तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था ईरान में हुआ था। और कब हुआ था? 1700 ईसा पूर्व से लेके 1500 ईसा पूर्व के मध्य इनका जन्म हुआ था। यही आप देखेंगे इनका मृत्यु कब हुई थी। तो इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी, इनकी मृत्यु 77 वर्ष 11 दिन में। साथ ही आप देखेंगे कि इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई, तो 30 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। नेक्स्ट आप देखेंगे कि पारसी धर्म के जो प्रमुख देवता है उनका नाम क्या है। तो प्रमुख जो देवता है उनका नाम है अहूर मजदा। फिर आप देखेंगे यहीं पे कि जो पारसी धर्म है, यहाँ की जो सबसे जो प्रमुख जो पुस्तक है उसका नाम है जेद अवेस्ता। और पारसी धर्म में पवित्र स्थान जिसको दिया गया है वो है अग्नि मंदिर, जो है पवित्र स्थान पारसी धर्म में। फिर आप देखेंगे कि पारसी धर्म के जो प्रमुख त्योहार है जिनको सेलिब्रेट किया जाता है, तो जो वो जो त्योहार है, एक तो नवरोज है और एक है खोरदास साल। तो जो नवरोज है ये क्यों मनाया जाता है? पारसी नव वर्ष के उपलक्ष में इसको मनाया जाता है। किसको? नवरोज को। फिर आप देखेंगे खोरदास साल के त्योहार को क्यों मनाया जाता है पारसी धर्म में? तो इसको इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन जो है पारसी धर्म के संस्थापक जरथुष्ट का जन्म हुआ था। तो उसी जन्म दिवस के उपलक्ष में इसको मनाया जाता है खोरदास साल को। तो चलिए नोट डाउन करेंगे आप लोग, हेडिंग डालिए पारसी धर्म, पारसी धर्म। तो आप लोग देखेंगे संस्थापक, संस्थापक, संस्थापक कौन है? जरथुष्ट। तो ये है पारसी धर्म के संस्थापक। इनका जन्म कहां हुआ? ईरान में। और कब हुआ? 1700 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के मध्य इनका जन्म हुआ। अब आप लोग देखेंगे मृत्यु, तो जो मृत्यु हुई वो कहां कब हुई थी? 77 वर्ष 11 दिन में। जब ये 77 वर्ष 11 दिन के हो गए तब इनकी मृत्यु हुई। अगला आप लोग देखेंगे यहीं पे कि इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई। ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 30 वर्ष की उम्र में। ठीक है, कब हुई थी ज्ञान की प्राप्ति? तो जो ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी वो हुई थी 30 वर्ष की उम्र में। प्रमुख देवता देखेंगे पारसी धर्म के, प्रमुख देवता, तो जो प्रमुख देवता है वो है अहूर मजदा। अहूर मजदा जो है ये प्रमुख देवता है। प्रमुख पुस्तक देखेंगे पारसी धर्म की, प्रमुख पुस्तक, तो उसका नाम क्या बताया हमने? प्रमुख पुस्तक है जेदा, जेदा अवेस्ता। तो ये थी प्रमुख पुस्तक जेद अवेस्ता, जेदा ने जेद अवेस्ता, प्रमुख पुस्तक है जेद अवेस्ता। अगला आप लोग यहीं पर नोट करेंगे प्रमुख या पवित्र मंदिर या स्थान। तो देखेंगे पवित्र जो स्थान है पारसी धर्म में वो माना गया है अग्नि मंदिर को, अग्नि मंदिर को। साथ ही हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे प्रमुख त्योहार जो सेलिब्रेट किए जाते हैं पारसी धर्म में, प्रमुख त्योहार, जिसमें आप देखेंगे नवरोज। इसे क्यों मनाया जाता है नवरोज को? पारसी नव वर्ष के उपलक्ष्य में इस त्योहार को मनाया जाता है। ठीक है, अगला त्योहार आप देखेंगे पारसी धर्म में खोरदाद, खोर, खोरदाद साल। तो जो खोरदाद साल है ये क्यों मनाया जाता है? तो इसमें देखेंगे पारसी धर्म के संस्थापक, पारसी धर्म के संस्थापक कौन है? जरथुष्ट। तो ये थे पारसी धर्म के संस्थापक। तो पारसी धर्म के संस्थापक जरथुष्ट के जन्म दिवस
के उपलक्ष्य में इस त्योहार को मनाया जाता है। तो इस दिन क्या था, इस दिन जो है पारसी धर्म के संस्थापक जरथुष्ट का जो है जन्म हुआ था और उसी के उपलक्ष्य में ये खोदा साल को मनाया जाता है। अब आप देखेंगे हम लोग इस पर चर्चा करेंगे जो भी इसके महत्वपूर्ण एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, जहां से क्वेश्चन बन सकता है उन पर आप एक नजर डालेंगे। देखिए एक तो पूछा जाता है संस्थापक, कई बार एग्जाम में आ चुका है कि पारसी धर्म के संस्थापक कौन है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि है जरथुष्ट। नेक्स्ट पूछ लिया जाता है प्रमुख देवता कौन है, तो आप बताएंगे अहूर मजदा, और प्रमुख पुस्तक पूछ ली जाती है जेड अवेस्ता। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ना आपको सब कुछ है लेकिन ये वाले जो हमने आपको क्वेश्चंस बताए हैं ये कई बारी एग्जाम में पूछ लिए गए हैं, तो इस दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। साथ ही आप लोग देखेंगे कि हम लोग जो भी अभी आपसे मैंने चर्चा की पारसी धर्म के बारे में उसे आप लोग रिकॉल करेंगे एक बार। देखिए पारसी धर्म के संस्थापक की अगर हम बात करें तो कौन है, जरथुष्ट। इनका जन्म कहाँ हुआ था, ईरान में। कब हुआ था, 1700 ईसा पूर्व से लेके 1500 ईसा पूर्व के मध्य इनका जन्म हुआ था। साथ ही आप लोग देखेंगे कि इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 77 वर्ष 11 दिन, ठीक है, जब 77 वर्ष 11 दिन के हुए तब इनकी मृत्यु हुई। और आप लोग देखेंगे कि इनको जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी वो 30 वर्ष की उम्र में हुई थी। फिर आप देखेंगे कि पारसी धर्म के जो प्रमुख देवता है उनका नाम क्या है, तो जो प्रमुख देवता है वो है अहूर मजदा, प्रमुख पुस्तक पारसी धर्म में जेद अवेस्ता, और प्रमुख या प्रमुख स्थान या पवित्र जो स्थान है वो कौन सा है, अग्नि मंदिर। फिर आप देखेंगे प्रमुख त्योहार जो सेलिब्रेट किए जाते हैं पारसी धर्म में, एक तो है नवरोज और आप देखेंगे खोरदास साल। तो खोरदास साल को इसलिए सेलिब्रेट किया था क्योंकि इस दिन जरथुष्ट जो है उनका जन्म हुआ था, उसी के उपलक्ष्य में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। फिर आप देखेंगे कि नवरोज को क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि पारसी नववर्ष के उपलक्ष्य में इसको जो है सेलिब्रेट किया जाता है, किसको, नवरोज को, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है आपका, तो हमने आपको रिकॉल भी करा दिया। कोई भी क्वेरी है आप हमसे कमेंट सेक्शन में डायरेक्ट पूछ सकते हैं। अगली क्लास जो होगी उसमें हम लोग आपसे चर्चा करेंगे वैष्णव धर्म के बारे में, जिसे भगवत धर्म भी बोलते हैं, और जो वैष्णव धर्म है उसमें क्या है, विष्णु की उपासना की जाती है, भगवत धर्म में कृष्ण की उपासना की जाती है। जो कृष्ण के उपासक हैं उनको कृष्ण उपासक बोला जाता है और जो विष्णु के उपासक हैं उनको विष्णु उपासक कहा जाता है, तो उसी पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो वैष्णव धर्म में काफी लंबी क्लासेस जाएंगी आपकी, जिसमें शैव धर्म वैष्णव धर्म के हम बारे में आपको चर्चा करेंगे। तो चलिए कल फिर मिलते हैं, राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद।